उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी कचहरी के परिसर में किया गया है। कोरोना काल के दौरान से लगभग 8 महीनों से बंद चल रहे लोक अदालत के बाद ये पहला लोक अदालत होगा जिसमें सीधे तौर पर वादकारियों और न्यायाधीशों के बीच वार्ता हो सकेगी। इसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने बताया कि लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक वाद, फौजदारी, बैंकों से जुड़े हुए मामले सहित सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने उन वादकारियों से अपील किया है कि जिसके मुकदमे अभी कोर्ट में लंबित हैं, वो अपना मुकदमा लोक अदालत में लगवाकर उसका निस्तारण करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने कहा, 1 करोड़ रुपया अवार्ड राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाता है और मुकदमों का निस्तारण किया जाता है, कब उसका डेट प्रस्तावित हुआ है और अभी ये अदालत रहेगा कि इसमें वहाँ पे जाएंगे लोग? नहीं, जैसा आप जान रहे हैं कि न्यायालय में, दीवानी न्यायालय परिसर में प्रत्येक नियमित समय अंतराल पर एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हम विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी और तमाम लोगों को इनवाइट करते हैं और इस न्यायालय परिसर में एक बृहत लोक अदालत का आयोजन करते हैं। कोरोना काल के कारण फरवरी के बाद हम कोई राष्ट्रीय लोक अदालत लगा नहीं पाए हैं। मामले को, तमाम पेंडेंसी को देखते हुए नालसा व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से हम लोगों को निर्देश प्राप्त है, उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में हम आगामी 12 दिसंबर को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया करने जा रहे हैं। यह राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लगना है, दीवानी न्यायालय परिसर में लगना है। इसमें वादकारी फिजिकली आएंगे और अपने मामले को उस संबंधित फोरम में, उस संबंधित न्यायालय से उसको निपटाएंगे। किस तरह के मामलों का निस्तारण होगा? नहीं, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सारे मामले, चाहे वो सिविल प्रकृति से हो, फौजदारी प्रकृति से हो, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम से हो, भूमि संबंधी मामले हो, टेलीफोन संबंधित मामले हो, जल बिल से संबंधित मामले हो, बैंक रिकवरी केसेस के मामले हो, राजस्व संबंधित मामले हो, इस तरीके के सभी मामले का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। साथ साथ ऐसे मामले जिसमें पति पत्नी अपने मामले को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराना चाहते हैं, या ऐसा बात करें जिनका मामला पारिवारिक न्यायालय या अन्य मामलों में चल रहा है, ऐसे वादकारी भी इस लोक अदालत में अपने मामले को निस्तारित करा सकते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों से? मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे वादकारियों और आप सभी इस गोरखपुर के जनमानस से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर वे अपने मामले को आपसी सुलभ समझौते के आधार पर निपटाना चाहते हैं तो आगामी 12 दिसंबर को जो राष्ट्रीय लोक अदालत हमारे द्वारा आयोजित की जाती है, उस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले को निपटाएं और इस राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत निस्तारित होने वाले वादों से लाभ को पाएं।